Toma, bir bir pindi. Bir ne yazdı, mezun ne? मैं बीड़ी चल तीन मंडल दे रची बीड़ी का दादी की स्माइल देखो यार। तो भाई दोस्तों हम तो 50 साल भी जी जाए ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो खान पान था ना पुराने टाइम पे और अब के टाइम पे बहुत चेंज हो गया है। तो दादी से पूछते हैं दादी का खान पान क्या था और पुराने टाइम का जो खाना था वो क्या था। दादी दसो, दादी से पूछते हैं दादी कहाँ कहाँ घूमी है। तो दादी है ना कभी दिल्ली देहरादून गए थी और मतलब दादी हमारी खाना पीना सब खाती है, सब अपना जो है मतलब नाना जाना नाना धोना अपना जो है मतलब खाना पीना मतलब इन सीढ़ियों से दादी खुद आ जाती है। हाँ, तो दादी कभी बीमार भी होती। हीरो ज्योति मोदी वर्मा का भी 30 बार के हाथ 100 बर्तन जुड़ जाए, गोट 5 सिद्ध हो जाए, आप लोगों का घर भर जाए, मेरा भी व्यापार फल बसे। और क्या रेट चल रहा है इस मतलब पीतल का? ये तांबे का गागर लोगे 1200 रुपए किलो। 1200 रुपए किलो और तौली पर आ दे। दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी प्यारे मौसम के साथ हो रही है और सामने आप देख सकते हो यार बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। और 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आज मौसम ना हल्की सी धूप लगी हुई है, मस्त वाली खिलखिलाती हुई यार। सामने हरियाली देखो खिल के कितनी प्यारी लग रही है और सामने से बादल और कोहरा लगा हुआ है। तो आज मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आ रखा हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे जो पड़ोस में एक दादी है वो 107 वर्ष की हो चुकी है। बिल्कुल आपने सही सुना, 107 वर्ष की, यानी गिनीज बुक रिकॉर्ड तो बनता है भाई इस 107 वर्ष में। भाई साहब मतलब इतनी बड़ी बात है हम सब के लिए कि 107 वर्ष जीना। आप सबको पता ही है कि हम अपने जीवन में यानी जीवन जीने के लिए हम कितने संघर्ष करते हैं। 107 वर्ष कैसे उनका जो खान पान था, कैसे उनका रहन सहन था, वो सब आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं चंदा मंडारी स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने गांव मासू चौथान से एक और नए ब्लॉग यानी मिस्टर भंडारी चैनल में। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी काफ़ी प्यारा हूँ और मस्त हूँ। और ये भाई पीछे मेरे घर, आप लोगों का बहुत लोगों का सवाल था, मैंने कमेंट में पढ़ा कि आप अकेले कैसे रहते हो भाई घर पे। तो दोस्तों ये है भाई मेरा घर और इस पर मैं अकेले रहता हूँ और इस साइड देखो भाई कोई भी मकान नहीं देखने को मिलेगा आपको। इस साइड जंगल है और जो हमारा एक पड़ोस वाला घर है वो नीचे साइड है और सामने भाई पजाना गाँव और मौसम देखो कितना प्यारा और क्या। तो जो दादी की मैं बात कर रहा हूँ उनका घर सामने है, तो अभी चलेंगे वहाँ पर। तो अभी चलते हैं भाई पड़ोस वाले घर में जो दादी का घर है और ये हमारा पड़ोस वाला घर है यहाँ पर, ये देखिए भाई। चलो और नीचे साइड हमारा गांव है और सामने देखो भाई खेती कितनी प्यारी लग रही है, ये मार्केट है। तो जो दादी की मैं बात कर रहा हूँ इसके नीचे उनका घर, तो वहाँ पर ले चलते हैं आपको। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ दादी के घर पर और देखते हैं भाई दादी घर पे क्या कर रही है। और सबसे पहले तो हमारा प्यारा सा शेरू आ गया, कालू ये देखो चल 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 चल। क्या ओ भाई फ़ोन काट दिया तो तूने, कहाँ लगा दिया था फ़ोन पे, चलो चलो नीचे। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ जिन दादी की मैं बात कर रहा था और सामने दादी बैठी हुई है आराम से धूप सेक रही है। तो दादी से पूछते हैं कि आपका खान पान क्या था और क्या राज था भाई आपका, इतने मतलब आप समझ सकते हो कि क्या बात करने वाला हूँ मैं। तो दादी से मिलाते हैं आपको और आशीर्वाद दिलाते हैं भाई दादी का। जी हाँ भाई, और यहाँ पर हमें दादी का नाती मिल गया है, ये है रोनू। और बॉडा जी को गिराज बॉडा जी का जी कोई नहीं है। तो पहले रोनू भाई से पूछते हैं, उन्हें पता ही होगा कि दादी को लगभग कितने साल हो गए हैं। 107 साल हो गए हैं। तो देख सकते हैं यार दोस्तों ये दादी का नाती जी है और जिस मैम बात की थी कि हमारे गांव में पूछ भी खुल रखी है, तो यही भाई साहब करते हैं पूछ। और आजकल बंद हो रखी है पूछ ना, यानी पूछ करना, तो आजकल बंद हो रखी है पूछ। तो भाई जो भी पूछ करने आएगा इस घर पे आ सकते हो हमारे गाँव मासू में, और 1 महीने बाद आना भाई, आजकल बंद हो रखी है पूछ। और रोनू भाई बना रहे भी खाना, तो मैं दादी से मिलाता हूँ आपको। चलिए भाई दादी से मिलते हैं। अबू नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक छी? ठीक छ बाबा। मैं हो मैं ठीक छो? तुम ठीक छी? पछाड़ छी मिते अबू, पछाड़ छी मिते। हेमंत है ना? ना तो दोस्तों मेरे छोटे भाई का नाम हेमंत है। मैं ना चंदू छ, चंदू चंदू है। हां दादी हाय कर दो। हाय दादी हाय कर रही है। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। नाश्ता करें? नाश्ता नाश्ता करे? अच्छा चलो भाई दोस्तों अब दादी से बातें करते हैं। वीडियो बनो ना, मैं तुम्हारे दुकान जाने अभी नहीं जाऊँ, दुकान बाद में जाने। तो दादी अभी दादी दादी को बीड़ी चाहिए होगी ना, तो दादी को बीड़ी भी देंगे बाद में। अभी दादी की वीडियो बनाते हैं। कभी नहीं देखे अब मैं तुम्हारी। अच्छा बस हो गई।
107 वर्ष। हाँ देखा दी थी पापा हाथ का दौरे तो ये हमारी चाची जी है और चाची से पूछते हैं कभी आपने भी देखी है इन्हें 107 साल से ऊपर कोई दादी मैं तो सुनी चा कोई पुरानो बटे पर आज आज देख लिए अतर रोटा का खाना खाना का खाना बाजे कान रोटा खाना अगर तो खान देखो आज कम जा फगल आ दुख तक नहीं कुछ नहीं ना अब बात करो बस मजन मजन अच्छा अब खिजे नहीं जाए दादी अच्छा कभी बीमार भी नहीं कभी बीमार ना बुखार भी हो कभी बुखार है हाँ जोर के हाल को बैठो भरी जोर हाँ चार दिन लियो दिन नहीं खाए चार दिन पाँच दिन ढिला नहीं खाए पाँच दिन तो नहीं खाए भरी जोर तुम बीड़ भी पींदी बीड़ी नहीं ले तो मैं जो नहीं बीड़ी चढ़ अच्छा तो दादी कह रही है कि बीड़ी जरूरी है सुबह शाम बीड़ी जरूरी है बीड़ी कम कम पियो हम बरा खाण तब तुम बोल तीन मंडल बीड़ी तीन मंडल तेरा जी बीड़ी का दादी की स्माइल देखो यार दादी की स्माइल दादी कम कम बीड़ी पिया ना मैं बरात खान बरात मैं बरात खान तब तो दादी बता रही है जो उनका मायका था वो नागचूला साइड यानी चमोली में रोहिड़ा गांव आता है जहाँ मेरे नानी का गांव है और सबसे बड़े लड़के दादी जी के आप ही हो ना ताऊ जी नमस्कार बौड़ा जी अच्छा तो दादी को करीबन कितने साल हो गए हमें बौड़ा जी बताएंगे 107 पहुंच गए तो आपकी माता श्री है दादी जी और 107 दोस्तों आप देख सकते हैं यार काफी बड़ी बात है और बौड़ा जी कितने साल के हुए अभी 62 साल के और मतलब दादी हमारी खाना पीना सब खाती है अपना जो है मतलब नाना जाना नाना धोना अपना जो है मतलब खाना पीना मतलब इन सीढ़ियों से दादी खुद आ जाती है बाथरूम यहाँ तक हो जाती है अच्छा तो काफी बड़ी बात है तो दादी कभी बीमार भी होती बीमार भी होती कभी दादी बीमार भी नहीं होती वो सही मतलब पुराने टाइम का खान पीन जो था जो है सही है मतलब सही था कनाली का जो है मतलब मतलब दो तीन दिन टाइम जो है उसको अपनी भाषा में गढ़वाली भाषा में बोल सकते हैं दो तीन दिन टाइम में उबाल छोड़ और तब बाद मतलब उबाल के तब लून मर्च लगा वो बाद ढींडा बना छोड़ तब बाद मतलब पेट भरना सब मतलब आप भी खाएं मतलब टाइम में बहुत खाई हाँ खाई जैसा भी ना मतलब बाजार बाजार कोई खान पान नहीं टाइम में कोई खान पान नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं मतलब ये जो है घर सब कुछ है खेती बाड़ी तो दोस्तों जैसे कि हमें बौड़ा जी ने बताया 107 वर्ष में मतलब दादी तो 107 वर्ष की दादी हो गई है और अपना खाना पीना और अपना यानी वॉशरूम तक जाना खुद ही दादी जाती है और कैसा उनका रहन सहन है वो भी हमें बताई दिया है खाना पीना क्या था दादी से पूछते हैं पुराने टाइम का जो खान पान था वो क्या क्या था दादी क्या क्या खाती थी और आपको भी बताते हैं और आपको भी आशीर्वाद दिलाते हैं दादी के तो भाई दोस्तों हम तो 50 साल भी जी जाए ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो खान पान था ना पुराने टाइम पे और अब के टाइम पे बहुत चेंज हो गया है तो दादी से पूछते हैं दादी का खान पान क्या था और पुराने टाइम का जो खाना था वो क्या था पुराना जमाना खान पीन बताओ दी क्या क्या चाहिए क्या क्या खान जा तुम लयक धपड़ी खान जा अच्छा और झुंगोर भी खान जाए झुंगोर बाहर नहीं चाहे बिल्कुल जंगोर बुटोना कपूर खाना लेना वो करना बहुत ज्यादा हुन्छ जंगोर है बहुत ज्यादा बस दुकान भी हुन्छ वो टाइम पे मैं दुकान नहीं कुछ नहीं दुकान छह नहीं दुकान है दुकान काम काज की दिक्कत काम काज काम काम करन जाए कभी भैंस जाए गोर जाए बल्ब जाए कभी भैंस जाए भैंस यो बकरी यो बैल जाए हाँ छह सात जमान गोर जाए बल्ब जाए क्या दास देखो यार दोस्त कुछ ज्यादा को दिन से गांव भागो चल खुद को यहाँ खाने में बेचू खुद बेचू किलो बेच दिन से किलो पांच पच्छे से किलो छह सात ना सात सौ हाँ आधा
1 किलो घी हो जाना चाहिए 3-4 दिन में। तो दोस्तों आप देख सकते हो 3 दिन में 1 किलो घी हो जाता था यार उस टाइम पे। और तो दोस्तों हमें दादी बता रही है बहुत ज्यादा नाज हो जाए, छक नाज हो जाए, डोर भर रहा है। तो पुराने टाइम के जो भगार होते थे यो बगारा खान रही 4 वर्ष हो गई कोरा, 4 वर्ष कोई नहीं खाना, 4 साल में हो 4 वर्ष आयो पोदर जा पोदर पंबरी पंबरी अच्छा कौन सा टाइम बना। दादी दसो दादी से पूछते हैं दादी कहाँ कहाँ घूमी है। तो दादी है ना कभी दिल्ली देहरादून गए थी, दिल्ली देहरादून गए थी कभी, दिल्ली देहरादून गुड़गांव बैठी देहरादून बैठी। तो देख सकते हो देहरादून घूम के आ गई दादी दिल्ली। अब बढ़िया कौन लगन से बढ़िया लगन से कि नहीं मतलब नकला निर्वा में कर दिन जोल दिया। अच्छा नकला में जो खोल ले बेकार लगे नक। अच्छा तो मुझे तो बहुत सारे दादी के आशीर्वाद मिल गया। तो दोस्तों आप सबके लिए भी दादी का आशीर्वाद है। तो यज्ञ भी दे दिया इसके, यज्ञ भी कर दिया। हाँ तो आप सबके लिए भी दादी का आशीर्वाद है, जुग जुग जियो आप सभी। दादी का घर जिनके मैं बात कर रहा था, और अभी चलते घर की ओर, शायद घर पर भी कोई भी आ रखा है और पता नहीं कौन आ रखा है, मीनू ने बताया मुझे। तो अभी घर पे चलते हैं देखते हैं कौन है। तो भैया आ रखे हैं, गागरी ऑर्डर कर रखी थी शायद पापा ने, और पहुंच गए गागरी लेके। चलो देखते हैं भाई गागरी। हीरो ज्योति मोदी वर्मा का बेतीस भर के, हाँ 100 बर्तन जुड़ जाए, गोट पांच सिद्ध हो जाए, आप लोगों का घर भर जाए, मेरा भी व्यापार फल बसे, जय हो जय हो। तो दोस्तों अभी हमने ले ली भाई, खरीदारी हो चुकी है, और ये तांबा और पीतल। तो पापा ने ऑर्डर किया था, पापा घर पे है नहीं, तो हमने ले लिया है। और ये देखो भाई, अगर आपको भी लेने तो आप ऑर्डर करना। और भैया हमारे पास के हैं, कुमाऊँ में रहते हैं और आते रहते हैं हमारे यहाँ। कुमाऊँ में कहाँ, देघाट? जी देघाट रहते हैं, देघाट में। और खुद ही बनाते हो ना? अपने हाथ से बनाते हो? अपने हाथ से बनाते हो। और क्या रेट चल रहा है इस मतलब पीतल का? ये तांबे का गागर लोगे 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो। और तौली पर आ जाए तुम्हारी 1500 रुपए किलो, 1500 रुपए किलो। वाटर फिल्टर लोगे लीटर के हिसाब से मिलेगा। अच्छा वाटर फिल्टर भी है। लाइट की जरूरत नहीं है, आपको पता है पहाड़ों में बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो हैंडमेड जो फिल्टर है भैया बना के आपको दे देंगे, आपको ऑर्डर करना है मस्त। और कितने का होगा वो ऑर्डर? तो आप सर 2.5 लीटर 5 लीटर। अच्छा लीटर के बाद, लीटर के हिसाब से। अच्छा अच्छा 6 लीटर का लेंगे 6500 रुपये। चलो देख सकते हो आप भैया, अगर ऑर्डर करना है तो संपर्क करना, आपको हम संपर्क करा देंगे भैया से डिस्काउंट के साथ। चलो भैया हमने तो ले लिया है, ये देखो तो हमने तो कर दी भाई खरीदारी। चलो जी मिलते हैं जल्दी। तो दोस्तों ये है छोटी सी गगरी और ये प्रात। तो हमने तो ख़रीदारी कर ली भाई, और आप भी जल्दी जल्दी करो, कमेंट करके बताओ अगर आपको भी चाहिए। ये देखिए तो ये हमें लगभग, तो हमने तो कर दी है ख़रीदारी, और आपको बता दें कितने का हुआ। तो ये हुआ अभी जस्ट 3500 का। तो भाई 3500 का ये पीतल की है, और ये पीतल की जो छोटी सी होती है तांबे, तांबे की। तो काफ़ी महंगा है यार तांबा। तो आपको भी लेना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको भी दिला देंगे सस्ते में। तो फिर से मौसम ख़राब हो रहा है, और आप देख सकते हो भाई बादल लग गए हैं। तो भाई आज मैंने आपको दिखाई दादी अपने गाँव की, जो 107 वर्ष की है। काफ़ी बड़ी बात है यार 107 वर्ष जीना। जो लाइफ सर्कल है ना वो आजकल ना बहुत कम हो रही है। क्यों कम हो रही है आप सबको पता ही है, फास्ट फूड की जो चेन है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो भाई फास्ट फूड थोड़ा कम करो खाना, और आप भी अपनी लाइफ सर्कल ज़्यादा बढ़ाओ, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मुझे दादी का आशीर्वाद मिल गया है, आप लोगों को भी मैंने दादी का आशीर्वाद दिला दिया है। तो अगर आप लोगों के गाँव में भी कोई दादी है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, आप लोगों के गाँव में पहुँच जाएंगे भाई दादी की वीडियो बनाने। तो चलो भाई आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करना। और बारिश आती है तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप देख सकते हो धूप चली गई है। बाय बाय।